ऐसा नहीं कह रहा वो सारी बंदी गलत है, बस मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सोच अलग है, कड़क है जो मिली मुझे रिसेंटली, नॉट ये सिर्फ मेरे लिए। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इस तरह के एडिटिंग वीडियोस के बारे में, इंस्टाग्राम फेसबुक और कई सारे ऐसे स्टेटस वीडियोस के बारे में। सो गाइस अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके जरूरत पड़ती है आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन के, एंड काइन मास्टर को ओपन कर दिया आपको 9.16 में मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने की आपको ये इमेज ऐड कर लेना है। अभी इस इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो एंड अच्छे से अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको इस इमेज को क्रिएट कर लेना है, एंड इस इमेज को देखिए मैंने गाइस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एंड इस इमेज को मैं भी फ्रेम में जाके फुल कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से आप इस इमेज को मतलब फुल कर सकते हो अपने फ्रेम के ऊपर, जहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड ना नजर आए कहीं से भी। सो अभी मेरा यहाँ पर ये देखिए अच्छे से फुल नहीं हो पा रहा है, सो इसको मैं पहले एक बार डिलीट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद गाइस इसको मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस जैसे ही मैं इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर आपको देखिए अब मैंने यहाँ से फ्रेम को इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद राइट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको गाइस इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, 14 से 15 सेकंड का कर लेना है, क्योंकि आपका स्टेटस नहीं बनता है। लेयर पर जाके मीडिया पर जाके आपको गाइस जहाँ पर इसका और मटेरियल रखा हुआ है उस मटेरियल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर ये का PNG रखे हुए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब अदर प्लेटफॉर्म्स के, एंड इसके बाद गाइस आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और मीडिया पर जाने के बाद गाइस इसका और मटेरियल चाहिए। सो इस मटेरियल में आके गाइस हम यहाँ से इस बंदे का फोटो को PNG को मॉडल जो हमारा जहाँ पर भी है उस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब गाइस इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद फिर से लेयर पर जाते हैं, मीडिया पर जाते हैं, और इसका थोड़ा सा मटेरियल हमारे पास अभी ये है नीचे का। सो इसको हम यहाँ पर कुछ अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले इमेज को। सो इस तरह से हमारा वीडियो काफ़ी अमेजिंग तरीके से बन चुका है। इसके बाद लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से एक ये कलरफुल वाला वीडियो के सिलेक्ट कर लेना है, एंड इस फ्रेम पे फुल करके इसके ब्लेंडिंग को स्क्रीन को इनेबल कर देना है। तो यहाँ से स्क्रीन कर देना है, और यहाँ से हमारा वीडियो काफ़ी अमेजिंग तरीके से बन चुका है। सो इसके बाद चाहिए तो आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो भी आप चाहिए कोई सॉन्ग एडिट करना चाहते हो, या फिर मैं अभी यहाँ पर इस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रोमा की को इनेबल कर देता हूँ। अब गाइस हमारा वीडियो काफ़ी अमेजिंग तरीके से लगने लगा है, तो आप देखिए अभी यहाँ पर चलाकर देख सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया, पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग एडिटिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है और न्यू टॉपिक्स।